नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे क्या निकलेगा समाधान। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और साथ ही जारी है सरकार के साथ बातचीत भी, लेकिन अभी तक की खबर यह है कि बातचीत को लेकर के कोई समाधान का रास्ता नहीं निकल पाया है। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, वहीं किसान अपनी मांगों पर। कुल मिलाकर के अभी तक का अपडेट यही है कि आंदोलन खत्म करने को लेकर के अभी किसी प्रकार का अपडेट नहीं हो पाया। किसान आंदोलन को लेकर आज काफी अहम दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट में पहले ट्रैक्टर रैली और कमेटी को लेकर सुनवाई हुई और अब किसान संगठनों के और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का एक और दौर चल रहा है। दोनों पक्षों में अब तक की 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी भी व्यक्त की गई। लंच से पहले बैठक में सरकार ने एक बार फिर किसानों को तीनों बिलों के फायदे बताए और कहा कि देश के बाकी राज्यों के किसान इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं, ये उनके हित के लिए है। आप लोग जो भी संशोधन चाहते हैं हम संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों की तरफ से साफ साफ आज फिर बैठक में कहा गया कि हम तीनों बिलों की वापसी चाहते हैं, इससे कम हम कुछ भी मंजूर नहीं कर सकते। किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पिछले बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि आपने कई बार संसद में और बाहर भी यह कहा है कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों के हितों के बारे में सोच रहे हैं, किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं। मामला अभी आगे नहीं बढ़ा है, वहीं पर बात अटकी पड़ी है। किसानों ने MSP की बात करनी चाहिए तो सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले तीनों कानूनों पर बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर के बात वही की वही है जो पिछली वार्ता में थी और साफ तौर पर जिस तरीके के संकेत अभी तक मिल रहे हैं कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, वहीं दूसरी तरफ सरकार कानूनों को वापस लेने के बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। चलिए अब आपको किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। बैठक में शामिल होने से पूर्व क्या कुछ मनसा किसानों की थी और क्या कुछ राकेश टिकैत ने कहा, आइए सुनते हैं। किसान आओगा, बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा, चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा, ट्रैक्टर खेतों में चलेगा, ऊपर खापड़ रास्तों पे और दिल्ली में को सरकार की मंशा साफ है। अरे सरकार क्या, कोई एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है तो जनता आ रही, वो अपने आप कर लेगी। आने का कहाँ है कमेटी, ना हमने नहीं कहा मेंबर बदले, हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी, या 2 महीने की जरूरत ही नहीं कमेटी। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुकने लग रहा किसी से, ट्रैक्टर मार्च रोकेगा कौन, रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को एस सलूट करेगी सबको। हाँ क्यों नहीं होता, गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड मनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगा यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोक क्या उसका इलाज भर देगा जो ट्रैक्टर को रोकेगा। हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठ कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी, इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने। अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। MSP पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, किसान यहाँ से दिल्ली को नहीं छोड़ने का।
टिकैत को सुन रहे थे आप, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक्टर रैली को लेकर के स्पष्ट तौर पर ये कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड निकाल करके मानेंगे, और जाहिर सी बात है हर एक आम नागरिक को ये अधिकार भी है कि गणतंत्र दिवस किस लिहाज से मनाया जाए, तो वहीं सरकार इस ट्रैक्टर रैली को लेकर काफ़ी कुछ हथकंडे अपना चुकी थी। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई, लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उसमें दखल देने से इनकार कर दिया और यही कहा कि आदेश पारित करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इन्हें दिल्ली में एंट्री देनी है या नहीं देनी है ये दिल्ली पुलिस को तय करना है। चलिए इस मामले पर चर्चा करेंगे कि अब तक का किसान आंदोलन का रुख क्या रहा और आज की वार्ता से पहले और अब क्या निकल सकता है, समाधान कैसे निकलेगा। गणतंत्र दिवस सामने है, उससे पहले किसानों के तेवर सामने आ चुके हैं, सरकार वार्ता के साथ में बैठी है लेकिन अभी तक समाधान की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। चार मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़े हैं, चौधरी दिगंबर सिंह साहब जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, संदीप चौधरी साहब जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, केवल ढिंगरा साहब जुड़े हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मोहनलाल बड़ोली साहब जुड़े हैं विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वहीं सुनील सुशीला शर्मा जी जुड़े हैं मेरे सहयोगी है। आप तमाम मेहमानों का पैनल में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और सबसे पहले सुनील जी, सहयोगी के तौर पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा, डेडलॉक लग चुका है, समाधान की उम्मीद की जाती है पर समाधान निकलता नहीं है, विश्लेषण चाहूंगा बहुत छोटा सा। देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने बाइट सुनी राकेश टिकैत की और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज को अगर आप ढंग से देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि समाधान की उम्मीद अभी आगे नहीं है। जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, इस तरह के तीखे तेवर शायद पिछले 55 दिन में राकेश टिकैत ने कम से कम नहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर किए थे, जो कि आज वो बता रहे हैं कि दिल्ली में मार्च तो होकर रहेगा और दुनिया का सबसे बड़ा मार्च निकलेगा। ये असल में जो चीज़ है ये अचानक से नहीं हुई है, 55 दिन नहीं गिनिए आप, 55 ठंडी रातें गिनिए जिन ठंडी रातों को किसानों ने झेली है। आज 10वें दौर की वार्ता के बाद भी अगर उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब जो है वो ये है कि समाधान निकलने की उम्मीद अभी किसानों ने सोच रखा है कि लंबी लड़ाई जो है वो बहुत लंबी चलने वाली है। और राकेश जी, इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये समाधान असल में जितनी देरी होती जा रही है उतना ही ये बोझिल होता जा रहा है। ये समाधान अगर ये वार्ता बहुत पहले हो गई होती, जिस समय किसान आकर बैठे ही थे, तो शायद उस समय पर ईगो की लड़ाई कम से कम नहीं थी। अभी जो लड़ाई हो गई है वो ईगो की लड़ाई हो गई है। सरकार कहती है संशोधन हम कुछ भी करने को तैयार है, कानून वापस नहीं लेंगे। असल में बात यह है, सरकार सिर्फ एक चीज चाहती है कि घर वापसी हो और किसान चाहते हैं कि कानून वापसी हो। दोनों जब तक एक चीज पर कहीं पर आकर नहीं बैठेंगे, बीच का रास्ता नहीं निकलेंगे, तब तक समाधान की उम्मीद अभी बहुत मुश्किल है। चौधरी दिगंबर सिंह साहब, आपके पास आना चाहेंगे, 55 से 56 दिन हुए, आप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, आप चाहते हैं कानून रद्द हो, सरकार कहती है समाधान पर बात करेंगे, बैठको से हल निकलेगा, हल निकल नहीं पाया है। सरकार बहकाने का प्रयास कर रही है, सरकार कोई बातचीत नहीं करना कर रही, बातचीत में केवल बुलावा करके देश को ये दिखाना चाहती है कि हम बार बार बुला रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पे कोई बात करने को सरकार तैयार नहीं है। सरकार लगातार बहकाने का काम कर रही है। सरकार किसान को बहुत ये समझ रही है कि किसान कुछ भी नहीं जानता और किसान को तुम बरगला के बहला के वैसे ही घर भेज दोगे। खाली हाथ किसान घर वापस जाने वाला नहीं है। बिल वापसी होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी होगी तो किसान वापस जाएगा, नहीं तो किसान वापस जाने वाला नहीं है। इनके बहलाने फुसलाने में बहुत दिन आ गए, दो बार इनकी सरकारों को किसानों ने बनवा दिया और इससे ज्यादा किसान को ये बहका नहीं सकते। लेकिन चौधरी दिगंबर सिंह साहब, एक सवाल यह भी है कि सरकार ने तो ट्रैक्टर रैली रोकने को लेकर भी प्रयास काफी किए, राजनीतिक मायने जानते हैं आप इसके? सरकार तो हथकंडे अपना ही रही है, सरकार तो किसान को देशद्रोही भी बता रही है, सरकार तो किसान को खालिस्तानी भी बता रही है। भाई ये तो कमी छोड़ ही ना रहे कहीं, इन्हें जो करना है वो करें। ना तो किसान खालिस्तानी है, ना किसान अफगानिस्तानी है, किसान इस देश का है, भारत का। और गणतंत्र दिवस ये देश जो आजाद हुआ किसान और मजदूर के खून और पसीने से हुआ, किसी व्यापारी के खून पसीने से नहीं हुआ। इस देश को आज भी रक्षा करने के लिए अगर सीमाओं पर डटा है तो इस देश किसान का बेटा डटा है। तो इसलिए गणतंत्र दिवस में सबसे ज्यादा अगर किसी का अधिकार है मनाने का तो वो वैसे तो हर देश के हर व्यक्ति का, हर नागरिक का है, लेकिन अधिकार किसान का है सबसे ज्यादा। किसान ने शहादतें दी हैं, उनकी बहुत सारी माताओं की कोख उजड़ी है, तो आज हम गणतंत्र दिवस नहीं मना सकते। ट्रैक्टर परेड की बात ये कर रहे, ट्रैक्टर नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते ट्रैक्टर? ट्रैक्टर देश के, इस देश का पेट भरने के लिए अन्न पैदा कर सकता है। गणतंत्र दिवस तिरंगा झंडा लगा के गणतंत्र दिवस पे दिल्ली की चमकीली सड़कों पे ट्रैक्टर नहीं चला सकता किसान? क्या किसान को अधिकार नहीं है? स्कूलों में जब हम पढ़ते थे
तो स्कूलों में परेड निकाली जाती थी, स्कूलों में हमको झंडा तिरंगा हाथ में लेकर गांव गांव में वो निकाला जाता था, रैलियां गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाती थी। उससे एक जो है देश प्रेम जागता है, जब ट्रैक्टरों पर किसान तिरंगा बांध के निकलेगा तो पूरे दिल्ली के दिल्लीवासी उसको देखेंगे और वो उससे देश प्रेम की एक भावना जागेगी बहुत मजबूती के साथ। लेकिन सरकार ने तो आज बैठक में ये भी कहा है कि बाकी राज्यों के किसान कैसे समर्थन कर रहे हैं, ये तो इन्हें पता लग जाएगा बाकी राज्यों के किसान कर रहे हैं नहीं कर रहे। आज अभी मैं एक देख रहा था कोई टीवी चैनल, अभी केरला के और बिहार के किसानों को वहां बॉर्डर पे रोक रखा है इन्होंने, अगर नहीं कर रहे तो इन्होंने क्यों काहे के लिए हर जनपद के अंदर एक डीजीपी और डीआईजी रेंज के जो आईजी रेंज के अधिकारी लगाए हैं, काहे के लिए लगाए हैं? अगर दूसरे राज्यों के किसान समर्थन नहीं कर रहे, इनको दिख नहीं रहे, ये देखना नहीं चाह रहे, ये किसी गलत फहमी में है, सरकार जल्दी से जल्दी देख ले। ये अगर पहले दिन देख लेते तो ये आसान होता, जितना ज्यादा लंबा ये खींचेंगे उतना ही किसान मजबूत होगा। चलिए, जितना लंबा खींचेंगे किसान उतना मजबूत होगा। केवल ढिंगरा साहब, आपके पास मैं आना चाहेंगे, कुल मिलाकर के एक दिन पहले आपको ले जाना चाहूंगा, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और किसान मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, बीजेपी का प्रत्युत्तर आता है कांग्रेस ही है जो किसानों और सरकारों के बीच में किसी प्रकार की वार्ता को सफल होने देना नहीं चाहती। देखिए, ये किसानों और खेती का खून है, असल में खून इसलिए है क्योंकि ये जो तीन काले कानून जो बनाए गए हैं वो किसानों को मंजूर नहीं है और ये उनको सीधा सीधा जो है किसानों की खेती का खून कर रहे हैं ये लोग। भारत सरकार जो है 10वीं वार्ता के बाद भी अगर फेल करती है इस बात को तो ये सीधा सीधा समझा जाए कि सरकार नहीं चाहती कि उनके काले कानून वापस हो किसानों के, और सरकार ये भी नहीं चाहती कि जो किसानों के पक्ष में फैसला हो, क्योंकि ये धनाढ्यों की सरकार है, इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के देख के कानून बनाए हैं और पूंजीपतियों के लिए कानून बनाए हैं, ये किसानों के लिए कानून नहीं बनाए, इसी वजह से सरकार ये चाहती है। ढिंगरा साहब, रोकना चाहूंगा कुछ देर के लिए आपको। मेरे साथ मोहनलाल बड़ोली साहब जुड़े हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के। बड़ोली साहब, स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। और केवल ढिंगरा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, काफी कुछ सरकार के बारे में और केंद्र सरकार की क्या कमियां रही हैं इन बिलों को लेकर के उनके बारे में जिक्र चल रहा है। ढिंगरा साहब प्लीज कंटिन्यू। ढिंगरा साहब प्लीज। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय सिचुएशन है, ये खेती का खून करने का कोशिश कर रही है सरकार, इसलिए कर रही है क्योंकि ये सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों को उनका एमएसपी मिले, उनका हक मिले। ये किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार धनाढ्यों की सरकार है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, ये उनके लिए काम करती है, ये किसानों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, आड़तियों के लिए काम नहीं करती है। इसीलिए इन्होंने कानून जो है वो धनाढ्यों को देख के बनाया है, पूंजीपतियों को देख के बनाया है और काले कानून जो बनाए गए हैं ये इसी वजह से है। इसीलिए किसान आज 55 दिन के लिए ठंडी रातों में धरने के ऊपर बैठे हैं और 60 करीबन किसानों की शहादत हो चुकी और ये सरकार हर धर्मी के साथ उनके साथ जो है धनाढ्यों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ और गरीबों के साथ नहीं खड़े। लेकिन सरकार यूं कहा जाए या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल में रैली होती है वहां पर पूरा दम भरते हैं कि यूपीए के दौर में 24,000 करोड़ का एग्रीकल्चर का बजट हुआ करता था, हमारा समय है जिसमें 1,00,000 करोड़ किया गया है, किसानों को फायदा तो होना ही था। देखिए, अगर किसानों को फायदा होता तो किसान दिल्ली के चारों तरफ नहीं बैठे होते। ये कभी कहते हैं ये पंजाब के किसान है, कभी कहते हैं हरियाणा के किसान है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पूरे देश के किसान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, यूपी, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के किसान तो दिल्ली में बैठे और बाकी भी स्टेटों के कई स्टेटों के किसान जो है वो दिल्ली के अंदर कूच कर रहे हैं, उनको उनके घरों के अंदर नजरबंद कर रखा है इन लोगों ने, क्योंकि ये सरकार जो है उनको इसलिए बंद करना चाहती है कि कहीं ये आंदोलन जो है वो बड़ा रूप ना धारण कर ले, क्योंकि इन्होंने कानून जो बनाए हैं वो अडानी अंबानी और बड़े बड़े धनाढ्यों के लिए बनाए, क्योंकि इससे पहले ये 2017 में भूमिका तय हुई थी, उन्होंने 100-100 एकड़ की जमीनें जो खरीदी है बड़े बड़े धनाढ्यों ने वो उस समय ही खरीद ली थी और शुरुआत कर दी थी उस समय। मुझे ये भी पता लग रहा है कि ट्रेनें भी जो है इस समय जो बोगियां हैं ट्रेनों की और ट्रेनें जो है
वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को इस समय दे चुके हैं और वो वहां से अपना एकाकरण करके पूरी की पूरी धान जो है या जीरी जो है वो उसके अंदर गोदामों के अंदर बंद कर लेंगे और आम उपभोक्ताओं जो आम उपभोक्ता है पूरा देश जो है उनको मोहताज बनाएंगे और उनको महंगा सामान बेचने का काम जो है बड़े बड़े। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये काम बीजेपी ने तय। ढींगरा साहब भविष्य में क्या होगा आकलन के आधार पर आकलन करना जरूरी होता है, अनुमान के आधार पर आकलन नहीं लगाया जा सकता है। मुद्दा तीनों कृषि कानूनों को लेकर है। सबसे पहली बात, बीजेपी का सीधा सा आरोप है कांग्रेस सुलह नहीं होने देना चाहती। राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, घूमने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे ही समय मिलता है किसानों की बात करते हैं, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है, और कांग्रेस ही इस आंदोलन को बरगलाने की कोशिश कर रही है। देखिए अगर सुलह करना चाहते होते तो ये अध्यादेश को खत्म कर देते और पूछ के कानून बनाते, उनको किसानों को अपनी बात में शामिल करते और कानून बनाते। इन्होंने कोरोना काल के अंदर जान बूझ के ध्वनि मत से पास किए हैं कानून, और ध्वनि मत कौन सी होती है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब आप धोखा कर रहे हो पूरे देश के लोगों के साथ, किसानों के साथ, तो आप किस तरह से कहते हैं कि कांग्रेस इसमें शामिल है। आप लोगों ने धोखा दिया देश के साथ, किसानों के साथ, और ध्वनि मत के साथ कानून पास किए, और उसके बाद आप काले कानूनों को रद्द भी नहीं करना चाहते। दसवें दौर की अगर वार्ता आप किसानों से कर रहे हैं तो कांग्रेस उसमें कहां आ रही है? ठीक है, आज आपने अगर दसवें दौर की वार्ता की तो उसमें कांग्रेस का कौन सा आदमी शामिल था यह बताना चाहिए। ठीक है संदीप चौधरी जी, लौटूंगा आपके पास में, महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन पहले बड़ोली साहब से जवाब लेना चाहूंगा। बड़ोली साहब, उम्मीद आपने भी नहीं की थी कि किसान 56 दिन तक हाईवेज पर रुका रहेगा, दिल्ली को घेर कर बैठा रहेगा, तमाम चाले नाकामयाब हो गई। कुल मिला के बात यह है, स्टार्टिंग फेज में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आलम यह है कि 56 रातों से किसान सड़कों पर है, सरकार वार्ता पर तीसरे फेज के बाद में उतरी। पहले आपने सोचा आपके सचिव स्तर की वार्ता से शायद किसान संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन जब सरकार को लगा कि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है, अब स्थिति यह है कि स्थिति आपके काबू में नहीं रही है, किसान हटने को तैयार नहीं है, आप पीछे जाने को तैयार नहीं है, डेडलॉक टूटेगा कैसे? बड़ोली साहब, आज राकेश जी मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के लोग आज इसको काला कानून बताने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने भय दिखाकर बरगलाने का काम शुरू किया था, आज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को हुई किसान के रूप में उन्होंने 56 दिन से बैठा रखा है। जो लोग इस देश के किसान का भला नहीं होने देना चाहते वो ये सभी लोग हैं। वास्तव में ये कानून जो बनाए थे अगर इनमें कोई खामियां थी वो जो सरकार वार्ता करती है, आज सरकार वो सभी संशोधन करने को तैयार है। अगर ये आंदोलनकारी जो कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर भी बैठकर बोलते हैं, धरने पर जाकर भी बोलते हैं, चौधरी दिगंबर सिंह मेरे साथ जुड़े हुए भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, वो आपके फायदे सुनना चाहते हैं, शायद उनका सवाल भी है, उंगली ऊंची करी उन्होंने। हमारी भारत सरकार के मंत्रियों ने भी और सभी ने इन कानूनों के बारे में बताया है, इनका क्या फायदा किसान को होने वाला है, और 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही, कभी किसान के भले का सोचने का काम नहीं किया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये जो 2001 से कानून बनना शुरू हुआ था और 2020 में इसको पास किया, 2022 तक किसान की आमदनी डबल हो इस काम के लिए ये सरकार लगी रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है इसकी कमिटमेंट है किसानों के साथ के 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे, किसान की सभी परेशानियों को दूर करेंगे। और आज जिस प्रकार से इस आंदोलन ने अपनी दिशा को पकड़ा है ये ठीक नहीं है। जब समझौते की टेबल पर बैठकर सरकार के साथ जो सरकार कहती है कि हम जो भी संशोधन किसान यूनियन के नेता करवाना चाहते हैं हम तैयार हैं, तो वो सभी संशोधन करवा के इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, किसान के हित की बात करनी चाहिए, और जो आज 56 दिन से किसान बैठा हुआ है वो किसान इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, विजय के साथ, किसान की जीत हो और टेबल पर बैठकर किसान की जीत हो। ये जो कांग्रेस के लोग बरगलाने का काम करते हैं कि समझौता नहीं होगा, कानून को रद्द किया जाए, ठीक है, इस देश में परंपरा है नई चीजें बनाने का, एक अच्छा मौका किसान के लिए मिला है। किसान आंदोलनकारी जो भी नेता हैं, जो टेबल पर बैठते हैं, उन सबसे निवेदन है कि जो सरकार
के साथ वो इस कानून में करवाना चाहते हैं, वो सभी संशोधन करवाए, सरकार उसके लिए तैयार है और किसानों का इससे भला होगा। और ये जो आज जिस प्रकार से 26 जनवरी जो अपना राष्ट्रीय पर्व है उसके नजदीक जिस प्रकार का वातावरण आज पूरे देश का किसान के नाम पर खराब किया है, उन सभी से निवेदन है कि इस को टेबल पर बैठकर सरकार के साथ वो सभी बातें जो किसान नेता बोलते हैं वो सभी सरकार मानने को तैयार है और इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, देश के किसान का भला होगा, देश के किसान के भले के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार के साथ बैठकर ये सारी बातें संशोधन करवा के इस कानून को जो लाभकारी कानून सरकार ने बनाया है लौटूंगा मोहनलाल जी लौटूंगा आपके पास महत्वपूर्ण सवाल के साथ में संदीप चौधरी जी आपके पास आना चाहेंगे। संदीप चौधरी जी सुन पा रहे हैं मुझे? काम धंधे संदीप चौधरी जी सवाल वही है, 56 दिन 56 रातें कुल मिलाकर के स्थितियां ये है कि किसान सड़कों पर है, ट्रैक्टर रैली रोकने को तमाम राजनीतिक प्रयास किए गए, सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डालने की कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट शायद एक आदेश पारित कर दे तो बल प्रयोग किया जा सके, अंदर की खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट के बहाने से किसी भी प्रकार से शक्ति प्रदर्शन हो जाए, दूसरी बात यह कि किसान अड़ा हुआ है कि देश का गणतंत्र मना के रहेगा, समाधान नहीं निकल पा रहा है, वार्ता में जाने से पहले राकेश टिकैत का बयान आ जाता है कि हमारी मांग यही है कि कानून वापस लो, सरकार कहती कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन को तैयार हैं, जब ये डेडलॉक टूटेगा कैसे, सवाल वही खड़ा हो रहा है, समाधान क्या निकलेगा? देखिए राकेश जी, जिस तरीके से ये गतिरोध इतना लंबा चल रहा है उसके पीछे कई कारण है। एक तो जैसे अभी हमारे साथी बीजेपी के बोल रहे थे, इन लोगों को बोलने का पता नहीं है क्या कहना है। ये इतना बड़ा जो वोट बैंक है जिसने मोदी जी को इतनी मजबूती से बनाया और देश का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो किसान और मजदूर है, आज अगर वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली की तरफ चला है तो ये कांग्रेस को उसे उपहार में देना चाहते हैं, ये आराम से कह देते हैं कि ये कांग्रेस के बरगलाए हुए लोग हैं। आप मुझे ये बताइए राकेश जी, 2014 में कांग्रेस सारे देश में लोगों के बीच गई, जाके उसने वोट मांगा, तब वो वोट बैंक कांग्रेस के चक्कर में नहीं आया, उसने बीजेपी की सरकार बनाई। 2019 में फिर कांग्रेस और दूसरे दल लोगों के बीच में गए लेकिन उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन अगर आज वही वोट बैंक अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली की तरफ आ रहा है तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी समस्या क्या है, इनको लग रहा है ये वोट बैंक कांग्रेस का है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये वर्ड जो है जो इनके नेता छोटे नेता यूज कर रहे हैं ये अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं किए, ये वर्ड देश के गृह मंत्री ने इस्तेमाल नहीं किए, ये वर्ड देश के जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। तो एक तो इन लोगों को समझना पड़ेगा कि कहां बैठकर क्या बात बोलना है, एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हैं और इस तरीके से किसानों को किसी पार्टी को से जोड़ देते हैं तो ये बड़ा ही दुख का विषय है, इन्हें समझना पड़ेगा। समस्या टीचरों की भी हो सकती है, किसानों की भी हो सकती है, मजदूरों की भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है अगर वो अपने अधिकार के लिए आए उनको किसी पार्टी से जोड़ दो। अब बात आती है टकराव की, देखिए राकेश जी टकराव बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, टकराव होने के कई रीजन है। जिस तरीके से कोरोना पीरियड में ये बिल पास किया गया उसके पहले लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, कई बिल ऐसे आए लोगों को विश्वास में लिया गया, पहले से एक आधार बनाया गया, लोगों को समझाया गया, लेकिन जल्दबाजी में ये बिल पास हो गया। और ये हकीकत है जिस तरीके से अभी बीजेपी के साथी बैठे हैं, बनना शुरू हुआ था और 2001 से कांग्रेस की जब सरकारें रही हैं सभी प्रदेशों से इसकी सहमति बनकर आई है तब ये कानून बना है, तो इस बात की इतनी बड़ी झूठ है आपके चैनल पर बैठकर बोलते हैं कि ये आनंद फानंद में बनाया गया है, बगैर सहमति के बनाया गया है, वो हजार एक आनंद फानंद में बनाया गया है। और राकेश जी मैं इनको रोकूंगा क्योंकि मेरा नंबर चल रहा है बोलने का। बड़ोली साहब प्लीज, बड़ोली साहब मैं लौटूंगा आपके पास में, बड़ोली साहब मैं आऊंगा आपके पास में, आऊंगा मैं। राकेश जी जब सरकार इसका समाधान चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हमें विशेषज्ञों की टीम की जरूरत नहीं है, किसानों के लिए उनके द्वारा चुने गए जो सांसद हैं आप उनकी एक टीम बना दीजिए अलग अलग पार्टी से लेकर के, वो डिसाइड कर देंगे, एक मिनट में फैसला हो जाएगा। लेकिन सरकार जानती है अगर हम जनता के चुने हुए जो सांसद हैं अलग अलग पार्टी से लेकर के उनकी टीम बनाएंगी तो रिजल्ट क्या आएगा। इसी तरीके से किसान जानता है सुप्रीम कोर्ट ने जो टीम बनाई है, आपने राकेश टिकैत को सुना होगा, उन्होंने बता दिया कि हम फैसला भी जानते हैं क्या फैसला आने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं।
तो जब तक चीजें निष्पक्ष होके नहीं होंगी, जब तक चीजें धरातल पे नहीं उतर सकती। रही बात जिस तरीके से 26 जनवरी की परेड की बात है, तो इस बार माहौल ऐसा बन गया है, क्योंकि किसान जो अपने खेतों में काम करता था, गांव में रहता था, वो दिल्ली में है, तो ऐसे में उनके अंदर भी जोश है। अगर उनके बेटे देश की सीमा पे जाके अब शहीद हो सकते हैं, देश की सीमा के लिए लड़ सकते हैं, और उन्हीं के बेटे वहां इंडिया गेट पे परेड कर सकते हैं, तो किसान क्यों परेड नहीं कर सकता? अच्छा मौका है, सरकार को स्वागत करना चाहिए था इस चीज के लिए। लेकिन यहाँ भी टकराव की स्थिति है, ये टकराव की स्थिति छोड़नी पड़ेगी और किसान का दर्द समझना पड़ेगा, और किसान को गले लगाने की जरूरत है, किसान के ऊपर लाठी या गोली चलाने की जरूरत नहीं है राकेश जी। चलिए चौधरी दिगंबर सिंह, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी बड़ौनी साहब राकेश जी जिस तरह से कह रहे थे कि ये बॉर्डर पे जो बैठे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, इनको शर्म करनी चाहिए। कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बताते हैं, कभी खालिस्तान नहीं बताते, एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसान संगठनों से और किसान प्रतिनिधियों से बात कर रही है सरकार। अरे जब कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बात काहे की कर रहे हो आप? आज आप इस बिल का जो 3 कृषि बिल लाए हो, आप एक लाभ इसका बता नहीं पाए। राकेश जी ने पूछा कि भाई इसका लाभ बता दो, आप लाभ इसके बता नहीं पाए। 18 दिसंबर 2020 के अमर उजाला में जो छपा है, वो जो फायदे छपे हैं आपकी सरकार के द्वारा, जो विज्ञापन छपा है उस विज्ञापन को पढ़ लो। उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से छपा है, इन्होंने छपाया है कि किसान को जब ली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हुआ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, किसान का मालिकाना हक तो रहेगा लेकिन जमीन बेचने का अधिकार नहीं रहेगा। ये तो खुद ही बता रहे हैं, 18 दिसंबर 2020 का अखबार उठा के देख लो, पढ़ लो ये। तो ये किसको बहलाना चाह रहे हैं? लाभ बता नहीं पा रहे कोई भी। तो जब ये बड़ौनी साहब विधायक है सम्मानित, तो विधायक जी जब लाभ यहाँ पूरा देश सुन लेगा टीवी चैनल पे, ये यही लाभ बता दे। तो यही हालत इनके मंत्रियों की है, जो किसान प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए जा रहे हैं उनको भी ये इसी तरह से बता पा रहे हैं। ये केवल बरगलाने और बहलाने का प्रयास कर रहे हैं, बरगलाने में किसान आने वाला नहीं है। चलिए एक मैं लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 10वें दौर की वार्ता में समाधान क्यों नहीं निकल पाया है, और दूसरी बात ये कि ट्रैक्टर रैली को लेकर के सरकार सख्ते में क्यों है। ये दो महत्वपूर्ण सवाल है जिनको ब्रेक के बाद किसान नेताओं से और सरकार के कारिंदों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाधान का रास्ता कहां से होकर के निकलेगा, क्या बातचीत के जरिए ही समाधान होगा या अब कोई नया पैतरा सरकार की तरफ से फेंका जाएगा। वही दूसरी तरफ जिस तरीके ट्रैक्टर रैली को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, सरकार सख्ते में है, वही सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह चुका है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर किसी प्रकार का आदेश हम पारित नहीं कर सकते। अब दिल्ली पुलिस को जो भी करना है, रोकना या एंट्री देनी है, ये दिल्ली पुलिस को तय करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, और इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता देते हैं कि किसान और सरकार के बीच की वार्ता खत्म हो चुकी है, 10वें दौर की ये वार्ता थी, लेकिन विज्ञान भवन में ये 10वें दौर की बातचीत लगातार चल रही थी। सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने एक बार फिर से ठुकरा दिया है। कुल मिलाकर के बातचीत बेनतीजा रही, निश्चित समय के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव था, सरकार और किसान संगठनों में बातचीत खत्म हो गई है। आज जो महत्वपूर्ण बातचीत थी 10वें दौर की, विज्ञान भवन में ये बातचीत लगातार जारी थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है, एक बार फिर से यूं कहा जा सकता है, निश्चित समय के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव था। कुल मिलाकर के 10वें दौर की बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही है, और लगातार किसान और सरकार के बीच में उम्मीद की जा रही थी कि बातचीत के जरिए शायद कुछ रास्ता निकलेगा, समाधान का रास्ता निकल करके सामने आ सकता है, लेकिन सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। निश्चित समय के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन रोक के साथ कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी था जिस पर लगातार बवाल हो रहा था सरकार और किसानों के बीच में, कि कमेटी में जो लोग शामिल किए गए हैं उसको लेकर भी आज CGI ने नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन कुल मिलाकर के अपडेट यही है अभी तक का कि किसान और सरकार के बीच की वार्ता खत्म हो गई है और कुछ विशेष नहीं निकला है। चलिए प्रस्ताव को किसान संगठनों ने एक बार फिर से ठुकरा दिया है, निश्चित समय के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया था, रोक के साथ ही कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी था, लेकिन कमेटी में सरकार और किसानों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रस्तावों को किसान संगठनों ने ठुकरा दिया है।
जिस कमेटी को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं सरकार ने एक करने की कोशिश की उसमें किसानों को भी शामिल किया जाए, सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हो, लेकिन प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। वहीं कानूनों को भी कुछ समय के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। बड़ी खबर, सरकार और किसान संगठनों के 10वें दौर की बातचीत आज लगातार चल रही थी, विज्ञान भवन में ये बातचीत चल रही थी। वापस लौटते हैं, लगातार मेरे साथ पैनल में शामिल है चौधरी दिगंबर सिंह साहब है, भारतीय किसान यूनियन के नेता है, संदीप चौधरी है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, केवल ढींगरा साहब जुड़े हुए प्रवक्ता है कांग्रेस के, मोहनलाल बड़ोली साहब जुड़े हुए विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वही सुनील सुशीला शर्मा साहब मेरे सहयोगी हैं। सुनील जी, कुल मिलाकर के जिसकी उम्मीद की जा रही थी, अपडेट आप ही से लेना चाहेंगे, वार्ता एक बार फिर से बेनतीजा रही है, किसान नहीं माने हैं, सरकार ने कोशिश की है कि कमेटी में किसान और सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करेंगे, कुछ अस्थाई समय के लिए अस्थाई तौर पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन प्रस्ताव किसान संगठनों ने ठुकरा दिए हैं, एक बार फिर से आंदोलन दोबारा से आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल वही बात है जो कि वार्ता पर जाने से पहले किसान नेता कह रहे थे कि हमें इस वार्ता से भी उम्मीद नहीं है, 55 दिन 10 वार्ताएं और इतनी सारी किसानों की मौत। असल में वाकई में ये एक बहुत ही ऐसा प्रश्न है जिस पर कि हर किसी को सोचना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून बनाया है। मैं बात उनके कानूनों की करता ही नहीं, मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी जुड़े हुए थे उनसे पूछना चाहता हूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के नाम पर आपने वोट मांगे थे, अभी किसान वही कह रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है आप दो चीज़ें हैं, एक तो इन कानूनों को वापस लीजिए और दूसरा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू कीजिए। आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? किसान ने तो आपसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की थी, आपने उसे भरोसा भी दिलवाया था, उस भरोसे पर आपने वोट भी लिए थे, उसे तो आप भूल गए और लेकर आ गए तीन कानून। किसान को तो नाराज होना ही था। उधर केवल ढींगरा जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि असल में किसान की आज स्थिति क्यों है? आज स्थिति किसान की यही है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग वो बार बार करता आ रहा है, कांग्रेस बार बार सत्ता में जब भी सत्ता में आई यही कहकर आई कि हाँ इस बार हम आपकी रिपोर्ट को लागू कर देंगे, इस बार उन सिफारिशों को हम लागू कर देंगे, परंतु वो कभी नहीं लागू कर पाई। असल में किसान के साथ तो दोनों पार्टियों ने एक जैसा रवैया ही अख्तियार किया है राकेश जी, असल में जब उन्हें वोट लेने होते हैं तो ये उनके बारे में बात करते हैं और जैसे ही वोट लेकर ये सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं और ये जैसे ही आंदोलन करते हैं तो उनका रवैया यही होता है कि ये विपक्षी पार्टी के द्वारा भड़काए हुए किसान हैं। उस समय वो किसान नहीं रहते, उस समय वो नकली किसान हो जाते हैं, उस समय वो खालिस्तानी हो जाते हैं, उस समय वो विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता हो जाते हैं और यही कारण है जब तक मन में ये सोच रहती है, जब तक मानसिकता यही रहती है कि ये किसान नहीं है, ये सिर्फ सामने वाले के भड़काने से आए हैं, तब तक वार्ताएं ऐसे ही फेल होती रहेंगी, तब तक किसान इसी प्रकार से बैठा रहेगा दिल्ली के बॉर्डर पे। अगर वो ट्रैक्टर रैली करना चाहता है तो बिल्कुल सही है, क्यों नहीं करे, उसे अपना शक्ति प्रदर्शन करने का हक है, वो क्यों नहीं करे, उसे करना पड़ेगा, 55 दिन से वो यही तो कर रहा है। एक 26 जनवरी को भी अगर ट्रैक्टर की परेड निकाल लेता है तो क्या फर्क पड़ता है? किसान को, जैसा कि अभी एक पैनल के प्रवक्ता ने बताया कि किसान को इस समय पर आवश्यकता है उसके कंधे पर हाथ रख के उसे संबल प्रदान किया जाए, उसे कहा जाए देखिए हम टाइगर रिजर्व करते हैं, हम बहुत सारे जानवरों को रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, परंतु इस समय सबसे बड़े संरक्षण की जरूरत खेती के संरक्षण की जरूरत है, इन किसानों के संरक्षण की जरूरत है जो कि हमारी सरकारों की तरफ से नहीं हो पा रहा। चलिए बड़ोली साहब आपके पास में आना चाहेंगे, ब्रेक पर जाने से पहले शायद बातचीत अधूरी रह गई थी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और तो चैनल पर बैठे हुए हैं, किसान नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विश्लेषक हैं, आज एक अच्छा मौका किसान को मिला है। सरकार टेबल पर बैठकर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसानों की मांग थी वो सारी सरकार से मनवा लें, सरकार उसके लिए तैयार है, लेकिन टेबल पर बैठकर एक ही बात करते हैं कि किस कानून को खत्म किया जाए। तो इसे जीत को फोड़ गए और इस बात पर आ गए कि जो भी संशोधन ये किसान के हक में करवाना चाहते हैं वो सारे सरकार से करवा लें, सरकार तैयार है और मन बनाकर अगर वार्ता करेंगे, मन बनाकर बैठेंगे, मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है ये किसान की जीत होगी, किसान सम्मान के साथ अपने घर जाएगा। निवेदन एक है कि सरकार के साथ वो सारी बातें मनवा लें जो किसान के हित में है, जो ये भाषणों में बोलते हैं, अपने मंचों पर बैठ के बोलते हैं,
वो सभी बातें सरकार मानने को तैयार है और वो वार्ता में अपनी सारी बात मनवाकर इस आंदोलन को समाप्त करें, ये किसान की बात। चलिए केवल डिंगरा साहब आपके पास में आना चाहेंगे, और मोहनलाल बड़ोली साहब ने भी अभी ब्रेक पर जाने से पूर्व जिक्र किया था कि कांग्रेस दोहरा रवैया क्यों अपना रही है। पहले कृषि कानूनों को लेकर जब यही यूपीए गवर्नमेंट सत्ता में थी तो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को लेकर के वकालत किया करती थी, इनके वीडियोज भी बीजेपी IT सेल ने कई कोशिश की सोशल मीडिया पर डालने की, हालांकि वो मैसेज पूरी तरह से प्रसारित नहीं हो पाया जो उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन साफ तौर पर मैं उस बीजेपी के उस आरोप पर जाना चाहूँगा कि कांग्रेस के ऊपर सीधा सा आरोप यही है कि जो कांग्रेस के नेता एक दौर में किसानों के हक की बात किया करते थे आज वही किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए बात यह है कि कांग्रेस जो है वही तो लाई थी कानून, इनको यही समझ में नहीं आ रहा। और आपको मैं एक बात और हैरानी की बताता हूँ, ये तो कैसे किस तरह से बरगलाते हैं, स्वामीनाथन की कमेटी किसने बनाई थी? कांग्रेस ने। उसकी रिपोर्ट आई 2010 में और जब वो रिपोर्ट आई उसके बाद ही तो लागू होती वो। जहां तक जो काम कांग्रेस ने किए उसी को कह रहे हैं कि ये गलत किया। मैं तो ये इनका समझना चाहता हूँ, हमारे 10 साल का मनमोहन सिंह के राज के अंदर एक भी अगर आंदोलन हुआ हो किसान का तो मुझे बताइए आप, एक भी आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि किसानों की उस समय इतनी ज्यादा मार नहीं थी जो आप पड़ रही है उनको। 25 रुपए का डीजल जो है आप 85 रुपए में बिक रहा है और उसके ऊपर 200% से ज्यादा टैक्स लग रहा है, उसके उसके हिसाब किताब बढ़ाए किसने, उसको मार मारी किसने, ये देखने की बात है। दूसरी बात आप देखिए, ये बात कह रहे थे अभी बड़ोली जी, बीजेपी सरकार किसानों के भले का काम देखो ये क्या कर रही है। 56 दिन से किसान जो है धरनों पे बैठा है, 60 किसान शहादत दे चुके, ये कह रहे हैं हम बड़े भले का काम कर रहे हैं किसानों के लिए, ये फिर ये कह रहे हैं कि हम जो है कानून जो है उनके हक के बात बना रहे। आज 10वें दौर की बैठक हो गई, किसान क्यों नहीं मान रहे अगर आप इतना ही अच्छा कानून उनके लिए बना रहे हो। सरकार एक साल का आज जो है 10वें दौर की वार्ता में ये कह रही है कि हम एक साल के लिए इस कानून को निलंबन कर देते हैं। अरे एक साल के लिए कानून का निलंबन कर भी देते हो तो किसानों का मामला हल थोड़ी हो जाता है उससे। आप ये बताइए क्यों प्रलोभन क्यों बरगला रहे हो किसानों को? आप उनके एक कानून जो बनाए हैं वो बनाए हैं धनाढ्यों के लिए और कह रहे हो हम एक साल के लिए निलंबन कर देते हैं। अरे भाई तुम आप भीख ले रहे हो क्या किसानों? आप किसानों को किसानों के हक के कानून क्यों नहीं बनाना चाहते? किसान अपनी खेती कर रहा है उसके हक के कानून बनाने में आपको एतराज क्या है? सबसे पहले यह बताइए जो नौल्था में 100 एकड़ जमीन जो है अडानी को दी है वो उसके ऊपर CLU खट्टर सरकार बीजेपी सरकार ने क्यों दिया है वो बताओ आप। वहां पे 150 ट्रेनें राजधानी की ट्रेनें जो है वो खट्टर साहब ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेलवे जो है वो क्यों बेचा है अडानी अंबानियों को वो बताइए आप। किस तरह से आप हरे देश का बंटाधार कर रहे हो आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप जो लोग ये काम कर रहे हो ये काम आप प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो? जब आपको 70 साल में कांग्रेस ने देश को बनाया, ट्रेनें बनी, पटरियां बनी, सिस्टम बने, कॉलेज बने, एजुकेशन बने, सारा सिस्टम तैयार हुआ और आप लोग सब उसको उसी सिस्टम को बेचने लग रहे हो। लेकिन बीजेपी तो करते हो कि लेकिन बीजेपी तो बोलती है 70 शर्म तो आपको आती नहीं इस बात की कि लेकिन बीजेपी तो बोलती है 70 को बेचने के बावजूद आप इस तरह की बात करते हो और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो। आप लोग धनाढ्यों के कानून बनाओ और किसानों को उंगली करो, ये तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। लेकिन बीजेपी तो बोलती है 70 साल लेकिन बीजेपी तो बोलती है 70 साल शोषण हुआ है। लेकिन बीजेपी तो बोलती है 70 साल सिर्फ शोषण हुआ है, 2014 के बाद ही अच्छे दिन आए। लोग पहले आंकड़ों के ऊपर जाओ फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन 70 साल में कांग्रेस ने जो एक जिस समय लूटा हुआ देश मिला था कांग्रेस को 70 साल में उसको बढ़ाने का काम किया, जो इतनी ट्रेनें बन गई आप उसको बेचने का काम कर रहे हो, फिर आप कहते हो कांग्रेस ने गलत किया। कौन सी चीज कांग्रेस ने गलत की उसके ऊपर आओ, पहले गलत बात करते हो, गलत सवाल करते हो और गलत ही बात कर रहे हो। जो इस समय प्रदेश के अंदर किसान जो है 56 दिन में पूरी तरफ चारों तरफ दिल्ली को घेर के बैठा है उसका मतलब ये है कि भाजपा की सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए और उसको रद्द करके उनसे बात की जाए। आप लोगों को इतना भी नहीं मालूम
कि कांग्रेस ने अगर कोई भी गलत काम किया होगा तो सरकार से आउट कर दिया कांग्रेस को। अब आपकी सरकार है, 6-7 साल से आप लोग क्या कर रहे हो? बिल्कुल, क्या आपने किया है लोगों के लिए? कौन से अच्छे दिन आए? मोदी जी सिर्फ बोलने बोलने का काम करते हैं, ये मन की बातों से काम नहीं चलता है, काम करने से काम चलता है, विकास करने से काम चलता है। वो कहाँ है वो बताएं आप। बड़ोली साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? बड़ोली साहब, केवल ढींगरा साहब ने इस पूरी बात में एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली है, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे हमारे शासन के दौरान जो चूक या गलतियां हुई उसी वजह से जनता ने हमें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन आप तो सत्ता में हैं, आप गलतियां क्यों कर रहे हैं? आज सरकार ने ये बात खुले मन से की है, हमारे मंत्रियों ने की है कि किसान को जो भी इसमें गलत लगता है उसको हम ठीक करने को तैयार है, टेबल पर बैठकर वो करवा ले, हम किसानों की 100% बात को स्वीकार करेंगे। 100% बात कहाँ स्वीकार हो रही है, वो तो तीनों का मांग कर रहा है। किसान एक ही जिद पर जो ये अड़े हुए है कि इसको खत्म किया, ये खत्म करने की बात को बंद करके इसमें चलिए शायद मोहनलाल बड़ोली साहब से संपर्क टूट गया। इस कानून में संशोधन करा लें, जो चीज बनी है अगर उसमें कोई त्रुटि किसान को दिखाई देती है, किसान नेताओं को दिखाई देती है, कांग्रेस पार्टी को दिखाई देती है, आज तो सरकार सभी से मिलकर जो किसान के भले में कानून बनवाना चाहते हैं उसी प्रकार से काम करना चाहती है, उसमें भी आनाकानी है, उसमें भी मूंछ का सवाल बनाया हुआ है, उसमें अपनी एकड़ी दिखाने के लिए ये सारा कुछ जो किया जा रहा है। नहीं नहीं, आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो बड़ोली साहब, एकड़ी दिखाने वाली कोई बात नहीं है ये एकड़ी। आप मुझे भले आदमी दिखाई दे रहे हो, आप समझौता करा सकते हो, आप अच्छे आदमी हो, आप अभी कह रहे हैं कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करने के लिए हम तैयार हैं, और आपके प्रधानमंत्री जी कच्छ में कहते हैं कि हमने लागू कर दी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, आप चोलवा बन जाओ और समझौता करा दो, आप आ जाओ पहले आके बात तो कराओ, सरकार आपकी, आप पहले अपने मंत्रियों से बात करिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक गन्ने का भाव तय नहीं हुआ, गन्ने का रेट तय नहीं हुआ अभी तक। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये कह दिया कि हम जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू कर सकते। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पत्र दिया इन लोगों ने और चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की। दिगंबर सिंह जी, दिगंबर सिंह जी ने कहा, दिगंबर सिंह जी आऊंगा आपके पास में, मोहनलाल जी को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी जी ठीक है, मैं ये निवेदन सभी से करना चाहता हूँ कि आज ये वार्ता के लिए जो जिस प्रकार से सरकार पूरी मन के साथ तैयार हुई है, इसमें किसान की जीत होगी, किसान संगठनों की जीत होगी, सभी का सम्मान बढ़ेगा, देश के किसान का सम्मान बढ़ेगा, लेकिन इसमें राजनीति ना की जाए, इसमें सच्चे मन के साथ काम हो सकता है उसको करवाए, और किसान विजय के साथ अपने घर लौटे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सभी नेताओं का यही सोच रहा है कि जो किसान ठीक है आज आंदोलन में लगा हुआ है वो किसान विजय के साथ घर जाए और सारे संशोधन सरकार उनके कहे अनुसार कर दे, ऐसा चाहते हैं। लेकिन इसमें जो ये एक बात रखी गई है कि ये कानून खत्म हो, ये खत्म होने की बात छोड़कर संशोधन की बात पर आ जाए और वो सारे संशोधन किसान के हित में होंगे। ठीक है, केवल ढींगरा साहब 20 सेकंड है आपके पास, समय की बहुत कमी है, 20 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे। देखिए, ये कहते हैं कि हम संशोधन करेंगे, किसान संशोधन चाहता ही नहीं है, किसान 10वें दौर की वार्ता अगर फेल होती है तो सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठता है, सरकार इसका मतलब ये कानून को वापस नहीं लेना चाहती, और सरकार इसीलिए किसान जो है दिल्ली के अंदर कुछ करना चाहते, आप उनको कोर्ट के माध्यम से भी रोक रहे हैं, आपने कोर्ट के माध्यम से यह भी कह दिया कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, आपने कोर्ट के माध्यम से यह भी कहलवा दिया कि हम ये कानून को भी वापस नहीं लेना चाहते, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? ये सरकार जो है ये फेलियर सरकार है, इन लोगों ने 6-7 साल के अंदर कोई भी भले का काम किसी भी वर्ग के लिए नहीं किया, ना किसानों के लिए किया, ना इन्होंने कोई मजदूर के लिए किया, ना कोई
बिजनेसमैन के लिए किया, सभी लोगों को आज पूरे 135 करोड़ की जनता आज इनसे परेशान हो चुकी है। 22 करोड़ वोट मोदी जी को मिले थे, ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है ढींगरा साहब समय की कमी है, विषय काफी बड़ा है, जितने आरोपों पर खेलेंगे उतनी ज्यादा फेरिस लंबी होती चली जाएगी। संदीप चौधरी जी, फाइनल कॉमेंट आपका छोटा 10 सेकंड प्लीज। राकेश जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहता हूं। आज की तारीख में 800 जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे दिल्ली एमसीडी में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको हटा दिया गया है। आपको बता दूं, जो मरी हुई आज की तारीख में अर्थव्यवस्था है, किसानों के भरोसे ये 3 बिल लाकर और कोरोना इंजेक्शन के साथ गवर्नमेंट अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा करना चाहती है और ये चीज किसानों को मंजूर नहीं है। चलिए, चौधरी दिगंबर सिंह, फाइनल कॉमेंट आपका प्लीज। हम ये कहना चाहते हैं कि हम हार और जीत का ये प्रश्न नहीं है, हमारे पेट का सवाल है। लाभ किसान के बिल के जो है वो ये बड़ौली साहब बता पाए, ना इनके मंत्री बता पा रहे हैं, और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो, ये किसी पे बात करने को तैयार नहीं है। सरकार पता नहीं किस दबाव में है, ये हमें पता नहीं लग पा रहा, ये अभी तक हमें पता नहीं लग पाया। किसान के पेट की लड़ाई है, हार और जीत की कोई लड़ाई नहीं। ठीक है सुनील जी, फाइनल कॉमेंट आपसे लेना चाहेंगे, क्या सरकार और किसानों के बीच में पैच उलझ गया है, क्या सरकार वाकई में फंस चुकी है? जी हाँ बिल्कुल, आप इसका नतीजा देख सकते हैं सामने। विधायक मोहनलाल बड़ोली जो हैं वो जब बहस की शुरुआत होती है तो कहते हैं कि भड़के हुए किसान हैं, ये कांग्रेस के भड़काए हुए किसान हैं, और बहस जब अंत तक पहुंचती है तो कहते हैं नहीं, ये किसानों की जीत होगी, ये किसान संगठन बिल्कुल जीतेंगे और किसान जो हैं वो उनके साथ सरकार बैठने को तैयार है, बार बार उनके साथ बैठ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करने के लिए तैयार है, वो ये भी कहते हैं कि हम हर तरीके के संशोधन के लिए तैयार हैं, बस एक चीज़ ये कीजिए कि चाहे जो संशोधन उसमें करवा लीजिए पर उस कानून को वापस मत लीजिए। यानी कि वो मानते तो हैं कि किसानों के चीज इसमें कुछ ना कुछ गलत है जिसपे कि वो संशोधन करवाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ दोनों पार्टियों को। समय की कमी है, समय की कमी है, आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। चौधरी दिगंबर सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, संदीप चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, केवल ढींगरा साहब, मोहनलाल बड़ोली साहब और सुनील सुशीला शर्मा जी, आप तमाम मेहमानों का पैनल में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी तक की अपडेट है, किसान और सरकार के बीच में 10वें दौर की वार्ता जो आज विज्ञान भवन में हुई पूरी तरह से बेनतीजा रही है। वही ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान अड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि देश का किसान ही गणतंत्र दिवस नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा। वही सरकार तमाम संशोधनों को लेकर के किसानों को ऑफर कर चुकी है, कमेटी को लेकर के तमाम चीजें कही जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसानों ने तमाम प्रस्ताव सरकार के खारिज कर दिए हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।